अरे इंडिया वालों को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर कंपनी की बात करें तो रतन टाटा के पास 100 से भी ज्यादा कंपनी है, जहाँ पर मुकेश अंबानी की 6 है, तो ये बन जाता है रतन टाटा को। डोनेट की बात करें तो रतन टाटा 65% डोनेट करते हैं, जहाँ पर मुकेश अंबानी केवल मात्र 2% डोनेट करते हैं, तो ये पॉइंट जाता है रतन टाटा को। ईंधनों का घर की बात करें तो रतन टाटा जो घर में रहता है 150 करोड़ से भी ज्यादा है, जहाँ पर मुकेश अंबानी की 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो ये बन जाता है मुकेश अंबानी को। यहाँ पर इंडिया में रतन टाटा को पद्मभूषण अवार्ड एवं पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, जहाँ पर मुकेश अंबानी को कोई अवार्ड ही नहीं मिला है, तो ये पॉइंट जाता है रतन टाटा को। अगर रतन टाटा की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 100 बिलियन है, ज्यादातर लोगों को दान करता रहता है, जहाँ पर मुकेश अंबानी 93.8 बिलियन है, ज्यादातर लोगों को नहीं देते खुद लेते हैं, तो ये पहुंच जाता है रतन टाटा को। तो आज विन है रतन टाटा। शाहरुख खान भाई सलमान खान, अगर चैनल पर नया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ किसके बारे में फैन हो आप लोग, देखते हैं किसका ज्यादा फैन। अगर एज के बारे में बताए तो शाहरुख खान की 57 है, जहाँ पर सलमान के भी 57, तो ये पॉइंट दोनों को ही मिलते हैं। अगर मूवीज के बारे में बात करें तो शाहरुख खान ने 112 किया, जहाँ पर सलमान खान 125 फिल्म किया है, तो ये पहुंच जाता है सलमान खान को। उनके बारे में बात करें तो शाहरुख खान ने संग किया, जहाँ पर सलमान खान 16 संग किया, तो ये पहुंच जाता है सलमान खान को। अगर जी सिने अवार्ड के बारे में बात करें तो शाहरुख खान 13 जी सिने अवार्ड लिया है, जहाँ पर सलमान खान 3 लिया है, तो ये पहुंच जाता है शाहरुख खान को। नेटवर्थ शाहरुख खान की 725 मिलियन है, और सलमान खान की 350 मिलियन है, तो ये शाहरुख खान को पॉइंट मिलता है। पर मूवी के बारे में बात करें तो शाहरुख खान 100 से 110 करोड़ लेते, जहाँ पर सलमान खान 70 से 75 करोड़ तक लेते हैं, तो ये पॉइंट शाहरुख खान को मिलते हैं। सलमान खान की तो एक स्टेचू है, एक लंदन में एक न्यूयॉर्क में, शाहरुख खान की नहीं है, जाता है सलमान खान को। तो आप लोग बताइए कौन विन है।